इंजीनियरिंग के छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका सीधे तौर पर आरोप है कि जो रेलवे में इंजीनियरिंग छात्रों की जो पद थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? उमेश झंडे नाम है मेरा। क्या डिमांड है? हम लोग की जो डिमांड है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो रेलवे में पोस्ट आती थी 5 जो वैकेंसीज थी वो अब सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू कर दी गई है और 70 साल से वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू हो रही थी, तो सडनली ऐसा क्यों चेंज किया गया? अब सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू अगर लोगे इसका मतलब आपको इंजीनियर्स की नीड नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना इंजीनियर्स की चीज़ें चल सके वो भी रेलवे में? तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है और ये गलत तरीका है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू अगर आप ले रहे हो तो फिर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए कैसे किसी को भी ले सकते हो? तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो फिर से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही होना चाहिए। कितने सरकार का जो ये फैसला है इससे लगभग कितने छात्र प्रभावित हैं? बहुत सारे छात्र प्रभावित होते हैं, लगभग लाखों में लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोगों का फ्यूचर दांव पे लग चुका है। 2020 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होने जा रहा था और दिसंबर में जस्ट 2 महीने पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है, रेलवे अनाउंस करता है कि अब जो होगा रेलवे में जो 5 जो वैकेंसीज है उसको नहीं लिया जाएगा, अब हम एक नया एग्ज़ाम लेने का प्लान कर रहे हैं, IRMS लेने का प्लान कर रहे हैं। और 2019 दिसंबर से लेके अब तक कुछ नहीं बताया गया और अब जाके जब बताया गया तो उसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू कर दिया गया। मतलब 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली, इंजीनियर्स वेट करते रहा कि एक IRMS का एग्ज़ाम होगा या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू लेंगे। अब IRMS का एग्ज़ाम अगर होगा तो स्पेशली इंजीनियर्स के लिए होना चाहिए था, लेकिन उसको सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू कर दिया गया। तो ये तो पूरा इंजस्टिस है इंजीनियर्स के लिए। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है? अगर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या नीड है? इतने सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में उसकी क्या नीड है? तो ये तो तरीका बहुत ही गलत है, जबकि हमारे रेलवे जो मिनिस्टर है वो खुद इंजीनियर है। अगर खुद इंजीनियर्स हो के अगर ये नहीं समझेंगे कि इंजीनियर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इंजीनियर्स की क्या नीड है, तो फिर कैसे होगा? एक हम अगर जंतर मंतर पर अगर इंजीनियर्स लोगों को आना पड़ रहा है या टीचर्स लोगों को आना पड़ रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है कि एक टीचर्स को अपनी क्लासरूम से छोड़ के प्रोटेस्ट में आना पड़ रहा है। क्या टीचर यही करें? अभी भी हम देख रहे थे कि रेलवे NTPC वाला जो था लोगों को रोड में आना पड़ रहा था, तो लोगों को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। अभी ट्रेंडिंग कर रहा था, हम ट्विटर पे कुछ ट्रेंड करवाते हैं तो भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि हमको फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ता है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, भारी संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं, इनके पास अब विकल्प क्या बचाएगा सरकार के इस फैसले के बाद? नहीं, इनके पास विकल्प क्या बचा है, जैसे कि अब सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है उसके थ्रू तो ये लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रिपरेशन का स्टाइल होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम टेक्निकल होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम नॉन टेक्निकल होता है और उसका भी इनडेप्थ होता है, तो एक साथ ये 2 चीज़ों की प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि रेलवे की पोस्ट के लिए तो फिर इंजीनियर तो फिर रहा ही नहीं, तो फिर अब हम प्रोटेस्ट के सिवा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम प्रोटेस्ट और आगे बढ़ाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आज जंतर मंतर में आज एक दिन कर रहे हो और अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हम अपना बंद कर देंगे। हम इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम रुकने वाले नहीं हैं गवर्नमेंट जब तक बात नहीं मानेगी। लेकिन किन को आज मेमोरेंडम वगैरह देने वाले हैं आप लोग? नहीं, अब देखते हैं हम लोग कि अब रेलवे को भी, रेलवे मिनिस्टर को भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अभी सबसे पहले ये था कि हम जंतर मंतर पे एक रख देते बात को, मीडिया का कवरेज यहाँ पे जंतर मंतर पे रहता है, इसलिए स्पेशली जंतर मंतर पे हम लोग परमिशन लेके आए कि मीडिया इस बात को आगे ले जाएगा। तो मीडिया की हमको बहुत नीड है कि अगर मीडिया इस बात को अच्छे तरीके से रखेगा तो गवर्नमेंट सुनेगी, बिना मीडिया के तो गवर्नमेंट भी नहीं सुनेगी। सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट करने से नहीं होता है, हमको जो आप लोग का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हम लोग की बात समझे और इस बातों को रखे, हमारे थ्रू बातों को रखे।